डियर बिकम पार्ट वन स्टूडेंट जो सेशन 2021 और 24 के हैं BRA BU, उनके लिए दो जानकारियां। एक तो ये वीडियो बीओ थ्योरी जो एकदम हिट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो काफी है, क्वेश्चन इसी में से होंगे। एक तो ये वीडियो इस संबंध में जानकारी देंगे। दो, आपको अगले रोज से ऑडिटिंग का क्वेश्चन आंसर, मतलब हम समरी हर VBI क्वेश्चन का जो अपलोड किए हैं उसका हम थ्योरी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। ये कल से ये वीडियो मिलेगा। आज का ये वीडियो बीओ का हिट क्वेश्चन था, ये सबसे पहला। व्हाट इज पार्टनरशिप, साझेदारी क्या है, व्हाट आर इट फीचर्स, इसकी क्या विशेषताएं हैं या लक्षण है। दूसरा, साझेदारी व्यापार के क्या गुण दोष है, व्हाट आर द मेरिट्स और डिमेरिट्स या लाभ हानि साझेदारी व्यवसाय के क्या होते हैं। तीसरा, एकाकी व्यापार किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके क्या गुण दोष या लाभ हानि है। चौथा, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी किसे कहते हैं, व्हाट इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी क्या विशेषताएं, व्हाट आर द फीचर्स, लक्षण या विशेषताएं, एक जैसा आंसर देंगे। उसके बाद आइए, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बेहद जरूरी, इसके क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप बिजनेस। और आइए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में एक निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी के बीच क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रैशनलाइजेशन, विवेकीकरण किसे कहते हैं, इसके क्या गुण दोष या लाभ हानि है एवं इसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दैट इज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन 8, व्यावसायिक संयोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके क्या कारण है, व्हाट आर इट्स कॉजेस, इसके क्या लाभ हानि है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके तकनीकों एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, डिस्कस इट्स टेक्निक्स एंड इट्स प्रिंसिपल। टेलर का आप पढ़ के आए होंगे, FW टेलर का प्लस 2 लेवल पे हम लोग BST में पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली के क्या गुण है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, समानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति के क्या गुण दोष या लाभ हानि है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम वेज पेमेंट सिस्टम। सेकेंड लास्ट 12, कार्यानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति के क्या गुण दोष है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम बेस्ड। तो एक है और दूसरा वर्क बेस्ड या प्रोडक्टिविटी बेस्ड, कार्यानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रोडक्टिविटी बेस्ड। 13, लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके क्या गुण दोष है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये अगर आप ये 13 क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। हम श्योर हैं कि आप पिछले 24 साल में कभी भी मैंने मिस नहीं किया है, 6 क्वेश्चन तक हम बोले इसमें से मिल जाएगा। PDF उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप निश्चित रूप से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर में लिंक उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जो परेशानी होगी
हम आपके साथ हैं, चैनल आपके साथ है। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज कमेंट करके जानकारी।